नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा मकर और आप देख रहे हैं HCN न्यूज। भारतीय इसरो ने शुरुआत से ही चंद्रयान 2 की कई तस्वीरें साझा की है। आपने हमेशा इसकी तस्वीरों में देखा होगा कि यह सैटेलाइट किसी सुनहरी चीज में लिपटा होता है। दरअसल चंद्रयान 2 ही नहीं, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले कोई भी सैटेलाइट इसी तरह सोने की परत में लपेटे जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों हमारे वैज्ञानिक सैटेलाइट्स पर ये सोने की परत चढ़ाते हैं? क्या सिर्फ इसरो ही ऐसा करते हैं या नासा भी? क्या ये सुनहरी परत सोने से ही बनी होती है? इतने सारे सवाल, और इन सभी सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे। ये जवाब हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन इससे पहले पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहे। सैटेलाइट को इस सुनहरी चीज में लपेटा जाता है, उसे मल्टी लेयर इंसुलेशन कहते हैं। ये काफी हल्का और बेहद मजबूत होता है। काफी पतली पतली सतहों से मिलाकर एक मोटी परत बनाई जाती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में मल्टी लेयर इंसुलेशन का नाम दिया गया है। आम भाषा में लोग इसे गोल्ड प्लेटिंग भी कहते हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सोने से ही बना होता है? मल्टी लेयर इंसुलेशन में पॉलीमाइड और पॉलिएस्टर फिल्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये फिल्म्स एक अलग अलग तरीके के प्लास्टिक से बने होते हैं, जिनकी एल्यूमिनियम से पतली परतों से कोटिंग की जाती है। इतना ही नहीं, इसमें सोने का भी इस्तेमाल होता है। हालांकि हमेशा सोने का प्रयोग जरूरी नहीं होता, लेकिन इस बात पर भी निर्भर करता है कि सैटेलाइट कहाँ तक जाएगा, किस ऑर्बिट में रहेगा। तो फिर क्यों होता है इस परत का इस्तेमाल? दरअसल विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि सोना सैटेलाइट में परिवर्तनशीलता, चालकता और जंग के प्रतिरोध को रोकता है। इसके अलावा जिन धातुओं का इस्तेमाल इस कोटिंग में होता है, वे एरोस्पेस इंडस्ट्री में बेहद जरूरी है। जानकारी दे दे कि सोना सहित अन्य धातुओं से बनी इस परत में अगर सैटेलाइट को ढका नहीं जाएगा, तो अंतरिक्ष में होने वाली रेडिएशन इतने खतरनाक होते हैं कि वे सैटेलाइट को तुरंत नष्ट कर सकते हैं। ये परत सैटेलाइट के नाजुक उपकरणों, उसके सेंसर्स को इससे टकराने वाली हर तरह की वस्तुओं से भी बचाती है। तो आखिरी सवाल ये भी था कि क्या नासा भी करता है इस परत का इस्तेमाल? तो आपको बता दें कि हाँ, नासा भी अंतरिक्ष में भेजने वाली सैटेलाइट्स पर अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस सूट में सोने व इस तरह की परत का इस्तेमाल करता है। अपोलो लूनर मॉड्यूल्स में भी नासा ने सैटेलाइट्स बनाने में सोने का इस्तेमाल किया गया था। ये ब्लैंकेट ऑफ विश्वसनीय रूप में 25 परतों से जटिलता से तैयार किया गया था। इन परतों में कांच, ऊन, कैप्टन, माइलर और एल्यूमिनियम जैसे धातु भी शामिल किए गए थे। तो आखिर किस नाम से जाना जाता है इस परत में इस्तेमाल होने वाला गोल्ड? मल्टी लेयर इंसुलेशन में इस्तेमाल होने वाले सोने को लेजर गोल्ड के नाम से जानते हैं। लेजर गोल्ड को सबसे पहले जेरोक्स के लिए बड़े पैमाने पर विकसित किया गया था। इसे बनाने वाली कंपनी को अपनी कॉपियों मशीनों के लिए टिकाऊ सोने के वर्क की जरूरत थी। नासा ने तब इसकी तकनीक के बारे में जाना। इसके बाद उसे बड़े पैमानों पर प्लेटिंग के लिए इस्तेमाल किया। अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस सूट में भी सोने का इस्तेमाल किया जाता है। इसका कारण ये है कि सोना इंफ्रारेड किरणों के रिफ्लेक्ट करने में पूरी तरह सक्षम है, साथ ही ये बाहर से आने वाली रोशनी को भी नहीं रोकता है। इसलिए इसकी पतली परत का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट के हेलमेट में वाइजर में किया जाता है, ताकि वे आसानी से बाहर देख सके और सूर्य की बिना छनी हुई हानिकारक किरणों से उनकी आंख भी सुरक्षित रहे। तो इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें HCN न्यूज। धन्यवाद। और जो दर्शक हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, वो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।